भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर एवं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का आज हापुड़ के तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट में अंतिम संस्कार किया गया। तीर्थ नगरी में पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के बेटे ने उनको मुखाग्नि दी। कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर के अंतिम संस्कार में हापुड़ के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नम आँखों से चेतन चौहान को अंतिम विदाई दी। बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में क्रिकेटर रहे, जिन्होंने देश और दुनिया के अंदर देश का बहुत बड़ा सम्मान और गौरव बढ़ाया, वो बहुत सादगी की, सरलता की और सत्यता की प्रतिमूर्ति थे और हम सब असंख्य कार्यकर्ताओं की वो बहुत बड़ी प्रेरणा थे। सभी को बड़ा अपार कष्ट है। सरल हृदय, खेल प्रेमी, जन जन तक लोगों की चिंता करने वाले ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में से चले गए। सभी लोग अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। बता दें कि यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान को कोरोना की पुष्टि होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर उनको आईसीयू में रखा गया था, लेकिन इलाज के दौरान किडनी फेल हो जाने के कारण पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का देहांत हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही देशवासियों को काफ़ी दुख हुआ।